मैं अजय हूं, अभय हूं, इसीलिए सर्वशक्तिमान हूं। तू ना अजर है ना अभय है, तू दुर्बुद्धिमान है। अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान न मांगता और यहां आकर शिव भक्तों की आराधना में विघ्न न डालता। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी स्पष्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, अन्यथा विनाश को प्राप्त होगा। अब वही क्षण आ गया है दूषण। तुम्हारी इन बातों से दूषण भयभीत होने वाला नहीं। मैं कहता हूं यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से। हमें ज्ञान नहीं था कि आप शिव भक्त हैं। हमें नहीं पता था कि स्वयं शिव आपकी रक्षा करते हैं। हमसे भयंकर भूल हुई है राजा चंद्रसेन। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे ये हनुमान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, मेरी प्रार्थना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंहादित्य तथा राजा रिपुदमन को क्षमा करें। आप दोनों मुझसे नहीं शिव स्वरूप हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, कृपा कर प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन क्षमा याचकों को क्षमादान दे। दुख पीड़ा इन सब से पीड़ित प्राणी जब मेरा उच्चारण करता है तो इस सत्य का भी अनुभव करता है कि मैं हर पीड़ा का उपचार हूं। मैं ओंकार हूं। कार्तिकेय तो अपने मयूर द्वारा अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उधर कैलाश पर नंदी व गणेश उनकी प्रतीक्षा करते हैं। शिव पार्वती भी पुत्रों के व्यवहार से प्रसन्न है। कार्तिकेय लौटते हैं, दोनों भाई शिव पार्वती के पास आते हैं। नारद भी प्रसन्न है। दोनों के विवाह की चर्चा चलने पर कार्तिकेय विवाह न करने का निर्णय सुनाकर शिव भक्ति का प्रचार करने का अपना संकल्प दोहराते हैं। बहुत हो गई तेरी भक्ति, उठ चल। अरे माँ, नहीं, अरे सुनो, चलो उठ, तनिक तनिक सुनो माँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तेरी, चल घर चल। माँ पूजा भक्ति में विघ्न मत डालो। चल बढ़ाया भक्ति वाला, भक्ति करेगा, चल। माँ माँ मा, तुम्हें पाप लगेगा माँ। लगने दे माँ, भगवान जी मुझे क्रोध हो जाएंगे। होने दे, चल घर चल। नहीं अरे सुन सुन तो, हे भोलेनाथ मेरी माँ को क्षमा कर देना, वो अभी तक आपके विषय में कुछ नहीं जानती, इसीलिए ऐसा वादा कर रहे हैं। उसे क्षमा कर देना भगवान, उसे क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना।
अरे ओ महापंडित, माँ नहीं जानती और तुझे तुझे सारा ज्ञान ध्यान है। अब चलता है या नहीं चुपचाप? हाँ नहीं नहीं तो फिर ले ये। बालक श्रीकर की माता ने आश्चर्यचकित होकर जब शिवलिंग पुनः स्थापित होते देखा तो उसे मानना ही पड़ा कि भक्ति में शक्ति होती ही है। तब श्रीकर ने भोलेनाथ से राजा सिंहादित्य और राजा रिपुदमन के पराभव व राजा चंद्रसेन के कल्याण की कामना प्रकट की, जो कि परम प्रजापालक और सदैव शिव भक्ति में लीन रहने वाले एक सत्पुरुष है। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज, राजा सिंहदित्य और राजा रिपुदमन ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे सेनापति सेना के साथ उनका सामना कर रहे हैं। महाराज, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? वही मैं सोच रहा हूं कि ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सिंहदित्य और रिपुधवन की सेनाओं ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों ओर से घेर लिया। वे नगर पर आक्रमण कर राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर यहाँ अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शत्रु से युद्ध करेंगे। यद्यपि हम ब्राह्मण हैं, किंतु अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे। हाँ पिताश्री, हमें युद्ध करना ही होगा। पुत्रों, राजा और राज्य के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना से मैं प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है, किंतु ये समय भावना के वेग में बहने का नहीं है। हम ब्राह्मण युद्ध करने की कला और कौशल से सर्वथा अनभिज्ञ, अस्त्र शस्त्र हम चलाना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध का विचार आत्महत्या के समान। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करना तो राजा चंद्रसेन को था। उन्हें क्या करना था? युद्ध करना चाहिए था, किंतु वे तो इस विकट स्थिति में भी शिव आराधना में बैठे हैं। पुत्र देवप्रिय, शिव की आराधना में बैठना क्या अनुचित है इस समय, इस घोर संकट के समय? ऐसे समय जब राज को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। राज्य के स्वामी पूजा आराधना में बैठे हैं, घोर आश्चर्य। तो भ्राताश्री, जिन्हें युद्ध करना चाहिए वे भक्ति कर रहे हैं। तो अब भक्ति करने वालों के लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। सुना नहीं पिताश्री ने क्या कहा? हम ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, हमें युद्ध करना आता ही नहीं, तो हम युद्ध करेंगे कैसे? कैसी विलक्षण स्थिति है। युद्ध करने वाले राजा चंद्रसेन भक्ति करना तो जानते हैं, लेकिन हम भक्ति करने वाले वेद पाठी युद्ध करना क्यों नहीं जानते? भगवान से तो प्रत्येक प्राणी जुड़ा हुआ है पुत्र, चाहे वो वेद पाठी हो या सैनिक योद्धा। इसलिए राजा चंद्रसेन योद्धा होते हुए शिव भगवान के भक्त भी हैं। पिताश्री, ये भी तो सत्य है कि प्रत्येक प्राणी अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। धरती पर जन्म लेने के पश्चात भगवान पिता के रूप में और धरती माँ के रूप में प्राणी का लालन पोषण करते हैं। भगवान से जुड़ा हुआ होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहना। राजा चंद्रसेन को राज्य और प्रजा के हित में इस समय
शिव आराधना की नहीं युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। पुत्र, किसको क्या करना चाहिए इस तर्क में ना उलझकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पर इतना अवश्य मान लो कि भगवान शिव की आराधना करने वाले राजा चंद्रसेन की रक्षा स्वयं भगवान शिव करेंगे। यदि स्थिति ऐसी है तो फिर हमें चिंता और तर्क वितर्क करने की क्या आवश्यकता है। तुम अपने कर्तव्य से विमुख होने की चेष्टा मत करो पुत्र। अब हमारे लिए कौन सा कर्तव्य शेष रहता है पिताश्री? कर्तव्य तो अब राजा चंद्रसेन को पूर्ण करना है। आयु बढ़ते ही तुम स्वयं को महाबुद्धिमान समझकर तर्क उतर्क करने लगे हो। ये भूल जाते हो कि आयु और ज्ञान में तुम्हारे पिता तुमसे बड़े हैं, और ये भी भूल बैठे हो कि सीमा और मर्यादा का उल्लंघन तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ले जाएगा पुत्र, जहां से ऊपर उठना कठिन ही नहीं असंभव भी होता है। क्षमा करें पिताश्री, ऐसा कुछ अनुचित तो हमने नहीं कहा। कहा क्यों नहीं, आज तुम राजा चंद्रसेन को कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हो, कल को मुझे भी पढ़ा सकते हो। नहीं, कदापि नहीं, हम चारों भाई आपकी आज्ञा में हैं और सदा रहेंगे। प्रश्न कर्तव्य का उठा था, इसलिए मैंने राजा चंद्रसेन की चर्चा की। सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मेरा अभिप्राय नहीं था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री। अब हमें आज्ञा करें, हमें क्या करना होगा? अपने राजा का अनुसरण करना होगा। इस संकट की घड़ी में राजा के साथ साथ प्रजा को भी शिव आराधना करनी होगी। शिव कृपा प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। शत्रु एक नहीं दो दो हैं और अत्यंत बलशाली भी, उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभव है। केवल शिव कृपा से ही शत्रु का विनाश संभव है। अब उज्जैन नगरी की रक्षा भगवान शिव के वश में है। तो क्या अब हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना आरंभ करें? वही करना होगा। हम सब नदी के तट पर चलेंगे, वहीं शिव आराधना करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक ओर निस्वार्थ भक्ति में लीन शिव भक्त बालक श्रीकर वेद व्रत व उसके चारों पुत्र भोलेनाथ के दर्शनार्थ संलग्न है, तो दूसरी ओर स्वार्थ की भावना के वशीभूत होकर राक्षस दूषण ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। नमः शिवाय, ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। क्या होगा मेरी बेटी शंकर का, न जाने भगवान कब दर्शन देंगे। दूषण हे दूषण, नेत्र खोलो। दूषण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ही तो तपस्या कर रहा था। अब वरदान मांग लूं जो मांगना है? अवश्य। मैं जो चाहूंगा वही वरदान देंगे ना आप? हाँ दूषण, अवश्य देंगे। तो फिर मुझे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। सर्वशक्तिमान तो त्रिदेव है दूषण, तुम कैसे सर्वशक्तिमान हो सकते हो? वो सब मैं नहीं जानता ब्रह्मदेव, मुझे मन चाह वरदान मांगने और देने का वचन दिया गया है। अब तो जो मैं मांगूंगा आपको वही देना होगा। ठीक है, किंतु इतना भी जान लो कि शिव अथवा शिव भक्तों के सामने तुम्हारी शक्ति कार्य नहीं करेगी। यदि तुमने शिव अथवा शिव भक्तों की शक्ति से टकराने का प्रयत्न किया तो तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। वो सब देखा जाएगा ब्रह्मदेव, आप वरदान तो दें कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। कहा है तो वरदान अवश्य मिलेगा, किंतु मैं तुम्हें पुनः सावधान करना चाहता हूं कि इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। ब्रह्मदेव, दुरुपयोग और सदुपयोग ज्ञानी ध्यानियों की भाषा है, भौतिक जीवन जीने वालों को उपयोग शब्द ही सही है। नहीं दूषण, ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों के हित में रचनात्मक कार्य करने को सदुपयोगिता और विनाशात्मक कार्य करने को दुरुपयोगिता कहते हैं। सदुपयोगी कार्य करने से जीवन सफल हो जाता है और दुरुपयोगी कार्य करने से जीवन की दुर्गति हो जाती है। ब्रह्मदेव, मैं यहाँ वरदान लेने आया हूँ और आप वरदान देने आए हैं। प्रवचन सुनने न मैं आया हूँ न आप सुनाने आए हैं, और ये जो आप रचनात्मक कार्य और सदुपयोगिता की चर्चा कर रहे हैं इसके लिए आप देवगण हैं, तो रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त आपको करना ही क्या है? विनाश और दुर्गति की चिंता को त्याग कर आप मुझे वरदान दें। वरदान प्राप्ति के पूर्व ही तुम्हारी वृत्ति अहंकार से पूर्ण है, तो वरदान प्राप्त होने के पश्चात क्या गति होगी? तो क्या आप वरदान नहीं देंगे? प्रसन्न होकर आया हूं, वचनबद्ध हूं, इसलिए वरदान तो अवश्य दूंगा। तो फिर सर्वशक्तिमान होने का वरदान दें ब्रह्मदेव। तथास्तु। सर्वशक्तिमान होने के पश्चात अब शिव और शिव भक्त मेरे सम्मुख कहां टिक पाएंगे? माँ हूँ ना, इसीलिए कहती हूँ कि यदि भगवान शिव तुझ पर प्रसन्न होते तो अवश्य प्रकट होते। प्रकट नहीं हुए क्योंकि वो तुझ पर प्रसन्न नहीं है। हो जाएंगे माँ, हो जाएंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे और फिर प्रकट भी हो जाएंगे। मैं अकेला ही तो उनका भक्त नहीं हूँ ना, मेरे जैसे उनके असंख्य भक्त हैं, वे उन पर भी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। समय तो लगता है ना माँ? तू अपनी माँ को पाठ पढ़ा रहा है? नहीं माँ नहीं, मैं तो भगवान शिव जी की प्रसन्न और प्रकट होने की बात बता रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब तो भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे, ये देखकर कि पुत्र के साथ साथ उसकी माता भी शिवलिंग पर माथा टेक रही है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवा
ये बालक भी ये सब मिलकर शिव भक्ति में लगे हुए हैं। शिव को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मा ने यही तो कहा था कि शिव भक्ति मेरे विनाश का कारण हो सकते हैं। ऐसा होने से पूर्व मैं इनका ही सर्वनाश क्यों ना कर दूं? ये माया नहीं पुत्र, मायावी है। मुझे तो ये शत्रु राजाओं की कोई रणनीति प्रतीत होती है। शत्रु राजा क्या आकाश गमन भी कर सकते हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोई मायावी राक्षस है। अरे दुष्टो, कश्यप का नाम लेने से तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। यदि मिल भी गई तो होगा क्या? हम तो अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए शिव नाम का जाप कर रहे हैं। ए शिव भक्त, यह सत्य भाषण करेगा ना तो मैं सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। भगवान शिव की शरण में आए हुए हम लोग असत्य भाषण क्यों करेंगे? अरे शिव भक्तों, फिर तुमने शिव का नाम लिया तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। हाँ पिताश्री, हम सभी शिव नाम का जाप करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमारी और हमारे राज्य की रक्षा करें, किंतु सुंदर, भगवान शिव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति इतनी दुर्बल है कि एक राक्षस की विकरालता के आगे टूट गई। आओ हम पांचों मिलकर भगवान शिव को पुकारते हैं। हे देवाधिदेव, हे देवों में परम देव देवेश्वर, हे भोलेनाथ, दया करो प्रभु, रक्षा करो भगवान, शरणागत को उभारो मेरे प्रभु। ले चलो इन्हें महाराज के पास। महाराज रिपुदमन की जय। महाराजा सिंहदित्त की जय। महाराजा रिपुदमन की जय। महाराजा सिंहदित्त की जय। महाराजा रिपुदमन की जय। महाराजा सिंहदित्त की जय। महाराजा रिपुदमन की जय। ये देखो, हमारे शत्रु राजा चंद्रसेन को बंदी बना लिया गया है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारे राजा जी तो आपके परम भक्त हैं। उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हमारे शत्रु चंद्रसेन का वध कर दो। जो क्या महाराज? नहीं, शिकारी हमारे राजा चंद्रसेन का वध मत करो। यदि वध करना ही है तो पहले मेरा वध कर डालो। इन दोनों का वध कर डालो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। रुद्रावतार, हनुमान, हे मारुति, ओ बजरंगबली। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? मेरी आज्ञा पूर्ण करने से पूर्व अपने स्वरूप को जानो वत्स।
मैं आपका ही प्रतिरूप हूँ प्रभु। सत्य यही है वीर बजरंगबली, तुम रुद्र अवतार हो तथा मेरे ही अंश से माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र के रूप में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का काज करने के उद्देश्य से प्रकट हुए हो। मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु, मैं अभी तक श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनके आगमन से पूर्व तुम्हें अन्य कार्य पूर्ण करने होंगे हनुमान। आज्ञा करें भोलेनाथ। तुम्हें अन्यायी व अत्याचारी राजा सिंहदित्य और राजा रिपुदमन से मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी, जो जैनी में चिप्रा नदी के तट पर मेरी साधना में लीन है। आपके भक्तों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार को आपका ये अंशावतार कैसे सहन कर सकता है देवाधिदेव? आप निश्चिंत रहें, मैं उन दुष्टों को अवश्य दंडित करूंगा। केवल दंडित करना और भक्तों की आराधना के फल स्वरूप उन्हें दर्शन और आशीर्वाद भी तुम ही देना, यही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा ये रुद्रावतार पूर्ण करेगा। हर हर महादेव। शिव भक्तों पर अत्याचार करके तूने अपने काल को बुलाया है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और जो सर्वशक्तिमान होता है उसका कोई काल नहीं होता। अज्ञानी, सर्वशक्तिमान कभी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता, न अपने मुख से अपने को सर्वशक्ति संपन्न कहता है, उसका कोई काल नहीं होता। किंतु तुझमें ये तीनों ही दोष है। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मैं अजय हूं, अभय हूं, इसलिए सर्वशक्तिमान हूं। तू ना अजर है ना अभय है, तू दुर्बुद्धिमान है। अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान न मांगता और यहां आकर शिव भक्तों की आराधना में विघ्न न डालता। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी स्पष्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, अन्यथा विनाश को प्राप्त होगा। अब वही क्षण आ गया है दूषण। तुम्हारी इन बातों से दूषण भयभीत होने वाला नहीं। मैं कहता हूं यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से। हमें ज्ञान नहीं था कि आप शिव भक्त हैं। हमें नहीं पता था
कि स्वयं शिव आपकी रक्षा करते हैं। हमसे भयंकर भूल हुई है राजा चंद्रसेन। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे, ये हनुमान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, मेरी प्रार्थना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंहादित्य तथा राजा रिपुदमन को क्षमा करें। आप दोनों मुझसे नहीं, शिव स्वरूप हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, कृपा कर प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन क्षमा याचकों को क्षमादान दे। सिंहादित्य और रिपुदमन, अब तो तुम पर यह सत्य प्रकट हो गया है कि शिव भक्तों को पीड़ित करने वाला स्वयं पीड़ा भोगने से बच नहीं सकता। शिव भक्तों के आग्रह पर आज तुम्हें क्षमादान मिल रहा है। तुम्हें राजा चंद्रसेन का राज्य उन्हें पुनः लौटाना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। राजा चंद्रसेन के राज्य पर इनका ही अधिकार होगा और भविष्य में ऐसी कभी भूल नहीं होगी। नहीं होगी प्रभु, नहीं होगी। परिणाम पर ध्यान रहे तो भूल नहीं होगी। देखो इन दोनों शिव भक्तों को, स्वयं भगवान शिव को इनकी रक्षा की चिंता रहती है। ये तो भगवान शिव की कृपा है। ये कृपा तुम्हारी भक्ति के कारण है। तुम दोनों शिव भक्त शिव को मानते हो तो वो तुम्हें मानते हैं। तुम दोनों का नाम शिव भक्तों में सदा अमर रहेगा तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में तुम्हारे नाम से वृद्धि होगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, आपने इन दोनों को क्षमा दान दिया, आप कृपा कर मुझे भी क्षमा करें। मैंने भी अपने पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में विघ्न डालने की भूल की है। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में तुम्हारी भूल समाकर विलीन हो गई है। श्रीकर, तुम आठवें जन्म में ब्रजभूमि में नंदगोप के रूप में जन्म लोगे तथा भगवान विष्णु के करुणा अवतार श्री कृष्ण के पालक पिता बनोगे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की, प्रकट होकर हमें संकट से उबारा, हमारी रक्षा की और हमें दर्शन दिए। किंतु मैंने तो भगवान शिव जी की तन मन से आराधना की है। केवल शिव दर्शन की मेरी लालसा है, कृपा कर उसे पूर्ण कर दीजिए। शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की जय। अतुलित बल धामा बजरंग बली की जय। महाबली बजरंग बली की जय। केसरी नंदन महावीर बजरंग बली की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। आपके दर्शन का लाभ पाकर हम धन्य हुए भगवान। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की। इसी प्रकार हमारे राज्य और राजा की भी रक्षा करें भगवान। नाम स्मरण करने वाले की रक्षा बंधन से हम बंधे हुए हैं वेदव्रत। राजा चंद्रसेन तो आठवें प्रहर हमारा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा का विचार सदा ही बना रहता है। तो सदा के लिए रक्षा की व्यवस्था कर दे भगवान। इस राज्य में धरती और आकाश दोनों ओर से शिव भक्तों को कष्ट देने के लिए दुष्ट प्रकट होते रहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इन दुष्ट शक्तियों से राज्य, राजा और प्रजा की रक्षा के लिए आप विराजे रहे भगवान। तथास्तु। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी वेदव्रत।
ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त शव भस्म से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त होगा। जगत के समस्त रोग पीड़ा और व्याधि से भी मुक्त होगा। जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर 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 अवंती नगर में वेत्रिय नामक रहता था एक ब्राह्मण। घर में अग्नि के घर के स्थापना करता था शिव पूजन। एक बार एक दैत्यासुर ने नाम था जिसका दूषण। अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमण। उसी समय शिवलिंग से प्रत्ये शिव शंकर बन के महाकाल। दूषण असुर को सेना सहित तब भस्म किया तत्काल। उसको जैन नगर में बना है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। जो इनके दर्शन है करता शिव कृपा होती उस पर। महाकाल शिव की जय हो।